ओम शांति। हम भगवान के बच्चे हैं, हम आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। हम इस धरा पर दो युग तक महान देवता रहे, सृष्टि के अनेक जन्मों में हमने हीरो पार्ट बजाए, हम कितने रॉयल हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा बहुत रॉयल थे, वैसे हम उसके बच्चे भी रॉयल हैं। याद होगा आपको, बाबा को देखकर राजा लोग कहा करते थे कि दादाजी भगवान से शायद भूल हो गई, राजा बनाना चाहिए था आपको और बना दिया हमें। बाबा का चलना, उनका बोलना, उनका व्यवहार, उनका खान पान, उनकी महान रॉयल्टी की झलक दिखाता था। सब पर अमिट छाप पड़ती थी, उन्हें सभी लोग देखते ही रह जाते थे। जिन्होंने साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा वो जानते हैं वो कितने रॉयल थे। नैन उनको देखते हुए थकते नहीं थे, उन पर भी एक टिक हो जाते थे। जैसे शिव बाबा सभी को बहुत आकर्षित करते हैं, वैसे ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी भी बहुत आकर्षक थी। हम उनके बच्चे हैं, हम भी बहुत रॉयल हैं, तो हमें भी अपनी रॉयल्टी को कायम रखना है। और ये तभी संभव होगा जब हमें ये नशा चढ़ा रहे, हम भगवान के बच्चे हैं, हम आदि देव ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम विश्व की महान आत्माएं हैं, हम विश्व महाराजन बने थे, हमने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो अगर हम इस स्वमान में रहेंगे तो सचमुच हम बहुत रॉयल रहेंगे। हमारी दृष्टि से, हमारे व्यवहार से, हमारे चलने से, हमारे बोल से, हमारे खाना खाने के तरीके से सबको रॉयल्टी नजर आएगी। तो याद रखेंगे, जो रॉयल होते हैं वो किसी से कुछ मांगते नहीं। जो रॉयल होते हैं उनकी आंख कहीं भी डूबती नहीं, इसका अर्थ होता है कहीं भी उनको आकर्षण नहीं होता, किसी से भी कुछ लेने की कामना वे नहीं करते हैं, किसी की पर्सनालिटी की ओर वे झुकते नहीं हैं। हम बहुत रॉयल हैं, हम भी अपने को इच्छा मात्रम अविद्या बनाएं, किसी से कुछ भी लेने की इच्छा ना हो। और मांगना, ये तो भिखारीपन है, ये तो एक बैगर की पहचान है। जो बहुत महान आत्माएं हैं उन्हें अपने को चेक कर लेना चाहिए कि मन में भी मांग ना हो, चाहे धन की मांग, चाहे वस्तुओं की मांग, चाहे साधनों की मांग, चाहे मान सम्मान की मांग, चाहे हमें चांस मिले अवसर दे इसकी बार बार मांग करना, रॉयल आत्माओं का ये लक्षण नहीं है। जो रॉयल होते हैं वे तो अपने को योग्य बनाते हैं और अपनी शान में स्थित रहते हैं। तो जो इस अलौकिक शान में स्थित रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को योग्यताओं से भर लिया होता है, उन्हें सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, उन्हें मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हम सब जानते हैं, बाबा ने पहले दिन से हमें ये एक बहुत सुंदर बात बार बार कही, बच्चे तुम किसी से कभी भी कुछ मांगो नहीं। फिर लोग पूछते थे कि मांगेंगे ही नहीं तो हमें सब कुछ कैसे प्राप्त होगा, तो बाबा उत्तर देते थे, तुम्हें प्राप्त होगा योग बल से। तो आओ हम सभी बहुत रॉयल बने, अपनी चाल से, अपने बोल से, व्यवहार से रॉयल्टी की झलक, रॉयल्टी की छाप दूसरों पर छोड़ें। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे परम धाम में ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे रहने का, और याद करेंगे ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर संसार में फैलाने से संसार से माया के कीटाणु
प्राणु नष्ट हो जाते हैं, आज सारा दिन हम ये महान सेवा करते रहेंगे तो बहुत बड़ा योगदान इस संसार को, इस प्रकृति को प्योरीफाई करने में हमारी ओर से प्राप्त होगा। ओम शांति।